वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, बुरहान में सीएम शिवराज का रोड शो। आज गणपति मंदिर रोड शो से प्रारंभ होगा रोड शो। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जगह जगह होगा सीएम शिवराज का भव्य स्वागत। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार और माधुरी पटेल के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जगह जगह सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत होगा। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के लिए प्रचार किया जाएगा, माधुरी पटेल के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बुरहानपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो आज है। गणपति मंदिर रोड में रोड से शुरुआत होगी, प्रारंभ होगा, और आपको बताते चले कि जगह जगह सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत भी होगा। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के लिए प्रचार किया जाएगा, माधुरी पटेल के समर्थन में ये प्रचार किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नुक्कड़ सभाएं भी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, शिवराज सिंह चौहान का रोड शो होना है, ऐसे में रोड शो को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ होने वाला है आज खास? जी, आपको बता दूं कि आज बुरहानपुर में महापौर पद के लिए माधुरी पटेल के पक्ष में प्रचार करने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आज यहां रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। इसे लेकर सारी तैयारियां यहां व्यवस्थित कर ली गई हैं। यहां पे जो है पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद बंद व्यवस्था की गई है। रोड शो करीब 12 किलोमीटर का चलेगा। इस बीच शिवराज सिंह चौहान जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी लेंगे, जिसमें जनता को संबोधित करेंगे। इस प्रकार से यहां पे तैयारियों का पूरा ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल, कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा रोड शो के वक्त? जी, मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में यहां पर पूर्व मंत्री के पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस जी मौजूद रहेंगी। उनके साथ में यहां खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय भी मौजूद रहेंगे, और स्थानीय कार्यकर्ताओं का हुजूम जरूर रहेगा उनके साथ में। और यहां का जो रोड शो है गणपति नाके से प्रारंभ होगा, जो लालबाग तक जाएगा, और इस बीच करीब 12 किलोमीटर की यात्रा रहेगी रोड शो के दौरान। इस बीच जो है जगह जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को संबोधित करते हुए चलेंगे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से। आखिर कितने समय बाद ये शुरू होगा, कितनी देर में रोड शो शुरू होगा? ये रोड शो के तैयारियों का टाइम जो है 1:30 बजे का रखा गया है। 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, जो गणपति नाके से रोड शो का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। बुरहानपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो आज होना है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज खंडवा दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। महापौर प्रत्याशी अमृता यादव के लिए प्रचार करेंगे सीएम शिवराज, करेंगे जनसभा को संबोधित। अमृता यादव के लिए वोट की अपील की जाएगी उनके द्वारा, और निकाय चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंककर की है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा दौरे पर जाने वाले हैं, जहां आपको बता दें कि महापौर प्रत्याशी अमृता यादव के लिए प्रचार सीएम द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ बताते चले कि जनसभा को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित भी करेंगे, वहीं अमृता यादव के लिए वोट की अपील करेंगे। निकाय चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, और इसी के तहत लगातार जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और इस प्रचार को ही देखते हुए बताते चले कि खंडवा में नगर निगम चुनाव का दंगल तेज हो गया है, और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा दौरे पर रहेंगे, और इस दौरान सीएम बीजेपी के महापौर प्रत्याशी अमृता यादव के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे, और इसके साथ ही सीएम निगम पार्षदों के लिए भी वोट की अपील करेंगे। सीएम की सभा को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ खंडवा हेलीपैड उतरेंगे वो, उसके बाद सभा स्थल पर आ जाएंगे। सभा स्थल के बाद पूरा कार्यक्रम होगा, और समय बचेगा तो रोड शो करेंगे, समय नहीं बचा तो रोड शो नहीं करेंगे, फिर बातचीत करने के बाद। और सीएम की सभा सफल है इसके लिए हमने सभी पार्षदों को और खंडवा के सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे मंडल के अध्यक्ष और उनकी टीम को बुलाया है कि अधिक से अधिक हमारे कार्यकर्ता, पूरे जनता भी उस कार्यक्रम में पहुँचे, ताकि सीएम के जो माध्यम से जो मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा और उसका जो उत्साहवर्धन होगा। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्या कुछ इसको लेकर तैयारी है, क्या कुछ आज होने वाला है, क्या कुछ वहां पर खास कार्यक्रम किए जाएंगे?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीन स्थानों पर दौरा कार्यक्रम है। सबसे पहले वे बुरहानपुर पहुंचेंगे, जहां से वे खंडवा आएंगे। 3:45 बजे खंडवा का उनका कार्यक्रम है। यहां नगर निगम के सामने उनका तैयार कर दिया गया है। यहां उनकी चुनावी सभा होगी, जो भारतीय जनता पार्टी की महापौर का प्रत्याशी है अमृता यादव, उनके समर्थन में वे यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। तो वही नगर निगम के सामने पूरा मंच तैयार हो गया है, यहाँ से रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के खंडवा आगमन को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि मुख्यमंत्री पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भी आए थे, यहाँ घोषणाएं करके गए थे, नर्मदा जल योजना का निजीकरण नहीं होने दूंगा, मीटर नहीं लगने दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी घोषणा घोषणा ही साबित हुई। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ चल रहा है, चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल अमित, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर देखी जाए, बात की जाए जनता की, तो जनता का क्या कुछ कहना है? जनता आखिर क्या बताती है, क्या रुख रखती है? जनता से हमारे लगातार चुनावी दौर में बात हो रही है और जनता का स्पष्ट मुद्दा है कि खंडवा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे ड्रेनेज की समस्या हो, इनका समाधान निकले। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, जो अधोसंरचनात्मक विकास होना चाहिए खंडवा में, ओवरब्रिज का काम जो अटका हुआ है उसको लेकर गति आए, और इस तरह के जो कार्य खंडवा में होने चाहिए जो यहाँ के विकास को एक रफ्तार देंगे, यहाँ की अधोसंरचनात्मक विकास को सुधारेंगे, उस पर जनता का पूरा फोकस है और जनता का यही कहना है कि इस बार विकास ही मुद्दा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और जनता को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं विकास इस बार होगा।